इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिदमत में एक शख्स आया और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, ईद कुर्बान के दिन जो हम जानवर कुर्बान करते हैं, अगर हम उनका गोश्त तकसीम ना करें और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए रख लें तो ये गुनाह तो नहीं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, कुर्बानी के गोश्त में सबसे पहला हिस्सा गरीबों का है, दूसरा हिस्सा तुम्हारे अजीज़ो अकारब का है और तीसरा हिस्सा तुम्हारा है। याद रखना, जो इंसान गरीबों का हिस्सा खा ले वो ऐसे है जैसे कोई गरीबों का हक खाता है, और अल्लाह गरीबों का हक खाने वालों पर लानत करता है। और जो इंसान रिश्तेदारों का हिस्सा खा ले वो ऐसे है जैसे कोई इंसान रिश्तेदारों से दगा करता है, और अल्लाह ऐसे इंसान पे रहमतें अपना फजल बंद कर देता है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि कुर्बानी करना अल्लाह के लिए होता है। वो जानवर जब तुम हरीते हो तो वो तुम्हारा नहीं रहता, अल्लाह का हो जाता है। और जो कुर्बानी भी करे और कुर्बानी के गोश्त को अपनी मराज समझ के सिर्फ अपने लिए रख देता है तो ना उसकी कुर्बानी कबूल होती है और ना ही वो अल्लाह के नज़दीक अजर पाता है। याद रखना, उसकी मिसाल एक चोर जैसी है। ऐसा चोर जो गरीबों का हिस्सा चोरी करता हो या रिश्तेदारों का हिस्सा खाता हो।